रिलेशंस हैं और जितने उसके बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं कि कैपेसिटर क्या होता है, उसमें कितना चार्ज, कितनी एनर्जी स्टोर होती है, उसका कैपेसिटेंस क्या होता है और कैपेसिटेंस किस कंस्ट्रक्शन के अनुसार, एरिया और डिस्टेंस के अनुसार कैसे चेंज होता है। ये फंडामेंटल स्टडी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पिछले कई सालों में कैपेसिटर को लेकर डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट करके स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें कुछ क्वेश्चन इतने रेलेवेंट और इतने अच्छे होते हैं कि उसे हर साल हम स्टडी करते हैं। भले वो क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं हो पर फिर भी हर स्टूडेंट को पढ़ने से एक कैपेसिटर का सॉल्यूशन निकालने के लिए उसकी प्रिपरेशन बड़ी अच्छी हो जाती है। ऐसे ही कुछ केसेस हम देखेंगे जो भले आपके एनसीईआरटी में नहीं है पर कॉम्पिटिटिव के लिए कैपेसिटर को अच्छे से समझने के लिए और कैपेसिटर के सॉल्यूशन खुद बनाने के लिए ये आपके काम में आते हैं। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस हम करेंगे और अगले कई क्लासेस तक करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम एक सिचुएशन लेते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कुछ कैपेसिटेंस हमको पता है, सी है, और ये जो सी कैपेसिटेंस है ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इसके एरिया और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। अब हमने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो हमको सबको मालूम है, ये हम कर चुके हैं कि उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, यहां पर हमें के लगाना है। अब ये चीज किस तरह से बनी ये आपको आती है या नहीं आती इसको चेक करने के लिए एक क्वेश्चन बनाया गया। क्वेश्चन ये है कि हमने इसमें के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला एक डाइलेक्ट्रिक डाला पर उसकी थिकनेस जो है वो हमने पूरी नहीं रखी, उसकी थिकनेस जो हमने रखी वो है टी थिकनेस, जबकि ये पूरा डिस्टेंस कितना है डी, इसका एरिया ए। अब अगर हम टी थिकनेस का इसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, के, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इसको हमें बनाना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम बेसिक चीज याद करते हैं कि हमने इस सी का डेरिवेशन कैसे किया था। हमने ये निकाला था कि कैपेसिटर को हमने चार्ज क्यू दिया, उसके कारण उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया था और फिर हमने V कैलकुलेट किया, Q दिया और उसके कारण V कैलकुलेट किया कैसे, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, इससे हमने V कैलकुलेट किया और फिर उसको कैलकुलेट करके ये एक्सप्रेशन लाए। अगर आपको ये प्रोसेस याद है तो उसी प्रोसेस को हम फिर रिपीट करते हैं। जो चार्ज हम इसको देते हैं वो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उसकी एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो जाएगी, सिग्मा इनटू ए, ये हमने इसको चार्ज दिया और ये चार्ज देने के बाद में इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज इज सिग्मा इंटू, हमको मालूम है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और दोनों प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है दैट वी टेक इंटू अकाउंट फॉर कैपेसिटर्स एंड दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है. दिस इज ड्यू टू प्लस एंड माइनस हियर. अभी अभी हमने डायलैक्ट्रिक के कैलकुलेशंस में पढ़ा कि इसके अंदर जहां तक डायलैक्ट्रिक है उसके अंदर एक एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है. वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में होता है और इसका नाम है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इसका नाम क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक. हमें इंड्यूस भी नहीं चाहिए. जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें से इंड्यूस को माइनस करिए और हमें रिजल्टेंट चाहिए कि यहां पर दोनों का कैंसलेशन होने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचा ये उसको हम लिखते हैं ई विद इन द डाइलेक्ट्रिक. मान लिया ई विद इन द डाइलेक्ट्रिक. ये जो E within the dielectric है इसको हम यहां पर लिखते हैं within dielectric electric field. हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है और वो कितना हो जाता है? K times less हो जाएगा. This we have done. हमेशा हमको याद रखना है डायलैक्ट्रिक लगाने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा. हाउ मेनी टाइम्स? दैट इज डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स. सो इट हैज बिकम दिस. ये जो E अपॉन K है ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है. तो ये यहां से यहां तक E है. उसके बाद वाला E माइनस होने के बाद जो रिजल्टेंट हमको मिला दैट रिजल्टेंट इज E अपॉन K. राइट. अब V कैलकुलेट करते हैं. देयरफोर V. अब यहां पर दो बार मीडियम चेंज होता है इसलिए हम V की कैलकुलेशन दो स्टेप में करेंगे. यहां से यहां तक का V, यहां से यहां तक का V और दोनों को एडिशन कर देंगे ये टोटल V आ गया. ये हम उसी तरह से मान सकते हैं कि दो कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर ये और एक कैपेसिटर ये. इस कैपेसिटर का मीडियम फ्री स्पेस, इस कैपेसिटर का मीडियम ये. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ये वी वन ये वी टू. तो कैलकुलेशन करते हैं. देखिए पहला इसके वी की कैलकुलेशन ई मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस. ये डिस्टेंस कितना है यहां से लेके यहां तक? तो पूरा डिस्टेंस कितना था? डी. उसमें से ये माइनस हो गया टी. तो ये डिस्टेंस कितना बचा? डी माइनस टी. ये इसका डिस्टेंस है वी वन के लिए. ये वी वन. अब यहां से यहां तक वी टू है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा? प्लस. V2 के लिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए. इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है E अपॉन K और इसका डिस्टेंस लिखिए T. ये V2 की वैल्यू आ गई. बस यही कैच है. दिस यू शुड बी एबल टू डू इट. अब अगर आपने V निकाल लिया नो प्रॉब्लम. नाउ इट इज ओनली कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q अपॉन V. Q हमने इसको दिया है. अगर हम इस Q को सिग्मा के टर्म्स में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? सिग्मा इनटू एरिया A. ओके. देन V. V हम ऐसे लिखते हैं E D माइनस T प्लस E T अपॉन K. ओके. दोनों में से E हम कॉमन निकाल लेते हैं. सो दिस इज सिग्मा A अपॉन E. E की वैल्यू कितनी होती है? तो हमको सिग्मा के टर्म्स में E की वैल्यू पता है. सिग्मा के टर्म्स में E की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये E की वैल्यू ये रही.
ये ई हमने कॉमन निकाला, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई निकल गया, यहां क्या बचा, डी माइनस टी, डी माइनस टी, यहां से भी ई निकल गया बाहर, तो यहां क्या बचा, प्लस टी अपॉन के, प्लस टी अपॉन के. कैन वी कैंसल दिस टी? नो, बिकॉज दिस इज नॉट टी, दिस इज टी अपॉन के, उसका एक फुल टी के साथ कैंसिलेशन नहीं हो सकता. एनीवे ये आ गया. अब आपको इसमें दिख रहा है, वी गेट सी इज इक्वल टू सिग्मा इज कैंसल्ड, ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एंड व्हाट वी गेट हियर इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, नीचे क्या बचा, दिस इज गॉन, ये ऊपर चला गया, दिस इज द ओनली थिंग रिमेनिंग देयर, डी माइनस. अगर हम टी को कॉमन निकाल ले तो अंदर क्या होगा, अंदर होगा वन प्लस वन अपॉन के. सो यही छोड़ देते हैं इसको, लेकिन अगर हम यहां ब्रैकेट लगाएंगे, यहां पर ब्रैकेट लगाएंगे, तो माइनस टी हमने बाहर निकाला, इसमें से माइनस टी बाहर निकालेंगे तो यहां क्या बचेगा, माइनस वन. सो दिस वी शुड राइट एज माइनस, ये समझ आ गया आपको, माइनस हमने ब्रैकेट के बाहर निकाला, सो सी माइनस इंटू माइनस प्लस, इसलिए ये आ गया एक्सप्रेशन. सो दिस एक्सप्रेशन, इसमें कौन कौन है, एरिया, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, थिकनेस ऑफ द शेल, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एंड के इज द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. So this is the formula for capacitance with dielectric. तो ये इस तरह से derive होगा, और इसकी value यहाँ put करके, if there is any numerical value, we can always find it. Now इसमें एक छोटा सा change. Suppose in place of dielectric we put a metal plate. Then what happens? मेटल प्लेट अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था, बिकॉज दैट इंसर्टिंग ए मेटल प्लेट. देखिए हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसकी दो प्लेट्स हैं, ये इसके बीच की गैप है, एंड दिस गैप इज इक्वल टू डी. यहां पर हमने एक मेटल प्लेट इंसर्ट कर दी, एंड दिस इज द मेटल प्लेट. दिस मेटल प्लेट हैज थिकनेस टी, ओके, तो ये जगह कितनी बचती है, डी माइनस टी. अब सेम प्रोसेस अगेन, अभी हमें फिर से क्या पता होना चाहिए, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिया ई, डेवलप किया, चार्ज क्यू दिया, क्यू किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय ए. यहां पर ई डेवलप हुआ, ई किसके बराबर होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां पर ओके. यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, अब यहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा. तो हमने ये पढ़ा है मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है. जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई मेटल रखते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहां जाकर रुक जाती, यहां पर जो प्लस है यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलती है, इसमें इंडक्शन होता है और इसका फ्री माइनस चार्ज यहां आ जाता है, प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड फिनिश्ड, यहां पर प्लस आ जाता है, ओके. यू कैन से ये प्लस टू माइनस बना, यस बना. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्रिएट किया था इतना, यहां से यहां तक तो ठीक है, पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंडक्शन के कारण, ये जो उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ऐसे बना, चूंकि ये मेटल है जितने भी चार्ज चाहिए ये देता है,
तो ये वाला इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर इक्वल टू ईच अदर। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते, और कैंसिल कर देने से यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या मिलता है, जीरो। दैट इज व्हाई इनसाइड द मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, अप्लाइड ई इंड्यूस्ड ई दे कैंसिल ईच अदर एंड इट बिकम जीरो। अब अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनता है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, दैट विल बी वी वन इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाय डी माइनस टी। अब टोटल वी कितना हो गया, वी वन प्लस वी टू। यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस वी, दिस इज वी वन प्लस वी टू, दिस इज ई d माइनस t। अब कैपेसिटेंस c, c इज इक्वल टू q अपॉन v। q इज हाउ मच, q इज सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय a डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू e d माइनस t। एंड e हमें पता है, e इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट d माइनस t। कैंसल, ये ऊपर चला गया, सो दिस इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। दैट्स ऑल। तो नॉर्मली हमारे पास कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अभी क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। अगर इसमें नीचे डिनोमिनेटर छोटा हो गया है तो ये पूरी क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, दिस विल इंक्रीज। सो सी विद मेटल इज ऑलवेज लार्जर देन सी। ये इस तरह से ये इंक्रीज हो गया, डाइलेक्ट्रिक था उसमें भी इंक्रीज हुआ था। डाइलेक्ट्रिक वाले में हमने जो सी एम निकाला था, सी विद डाइलेक्ट्रिक दैट वाज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d माइनस टी एंड दिस वॉज वन माइनस वन अपॉन के। यहां पर k आया था। नाउ दिस k इज ऑलवेज मोर देन वन, वन में से कुछ भी लेस होगा तो t कम हो जाएगा। अगर ये t कम हो गया तो यहां पर देखिए, दिस इज वन माइनस वन अपॉन k, और यहां पर जैसे जैसे k की वैल्यू बढ़ते जाएगी वैसे वैसे ये वाली क्वांटिटी छोटी होती जाएगी, ये क्वांटिटी बड़ी होती जाएगी, ये वाली क्वांटिटी बड़ी होती जाएगी, ये क्वांटिटी छोटी होती जाएगी, और इसलिए C की वैल्यू बढ़ती जाएगी। नहीं समझ में आया, ओके, यू थिंक योर सेल्फ। इफ K वी आर गोइंग टू इंक्रीज, जैसे जैसे K इंक्रीज होता है करके देखिए, ये वैल्यू भी इंक्रीज होगी। With that, k को एक बार 2 रखिए और एक बार 4 रखिए, 2 और एक बार 4, देखिए आपने k को इंक्रीज किया 2 टू 4, c विल ऑल्सो इंक्रीज। तो इंक्रीज दोनों केस में होता है, मेटल में भी और डाइलेक्ट्रिक में भी, मेटल में ज्यादा होता है। ओके, एक चीज और मेटल की समझिए, d माइनस t क्या है, d माइनस टी ये वाली थिकनेस है। इसका ये मतलब है कि ये चीज, ये मेटल है तो ये भी तो कंडक्टर एक मेटल है, ये पूरा का पूरा मेटल ऐसा बन गया है। अगर ये मेटल बन गया है तो गैप कितना बचा, d माइनस टी, और अगर d माइनस टी गैप हो गया d से d माइनस टी तो कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा, और नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, न्यू कैपेसिटेंस विल बी डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना रखना है, डी माइनस टी। तो ये हमने डी की जगह क्या रख दिया, डी माइनस टी। तो मेटल प्लेट रखने का सिंपल मीनिंग क्या होता है, बीच के डी को छोटा कर देना, दैट्स ऑल, और उससे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। सो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस हियर। अगर हम ऐसे इंक्रीज करते 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 इसको पूरा ही मेटल से भर देंगे तो टी विल बी इक्वल टू डी, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। सो दिस विल बी इंफिनिट। तो कैपेसिटेंस इंफिनिट होगा, आंसर है यस,
इन्फिनिट मीन्स वेरी लार्ज. जब आप इसको पूरा मेटल से भर देंगे तो ये तो पूरी एक मेटल की शीट बन जाएगी. दिस विल नॉट रिमेन ए कैपेसिटर. ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं होगा. दैट विल बिकम ए फुल शीट ऑफ मेटल एंड इट कैन होल्ड ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज. ओके, वो एक अलग चीज आ गई दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. सो फॉर कैपेसिटर्स प्लीज रिमेंबर दीज टू केसेस, वन विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड वन with the metallic slab. Okay, now after this we study another situation. That situation has been given in many examinations. It is whenever we insert a slab in a capacitor. Slab capacitor mein dalna ek bada favorite topic raha hai examiners ka. यहाँ पर आपने केस देखा कि हमने एक स्लैब डाला और उसकी थिकनेस पूरी डी के बराबर नहीं है. दैट वाज वन क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन इज कि हम एक पूरी डी थिकनेस का स्लैब लेते हैं और उस कैपेसिटर में हम स्लैब को डालते हैं तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगी और कितनी कितनी चेंज होगी. नाउ वी विल सी दैट. यहां पर लेट्स क्लोज दिस इंसर्टिंग ए मेटल. कैपेसिटेंस इंक्रीज. डी माइनस टी. ओके, सो दिस इज इफेक्ट ऑफ द मेटल. ओके, नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. Now a new type of problem. हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया. ओके, ये एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K है और इसको अब हम नीचे ला के इसके अंदर इंसर्ट करेंगे. तो ये जो कैपेसिटर है इसको पहले चार्ज करने के लिए हमने बैटरी से कनेक्ट किया. ये उस बैटरी का की है के. ओके, इसको हमने कनेक्ट किया. यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस गए, नेगेटिव चार्जेस गए और ये चार्ज हो गया. जब ये चार्ज हो गया तो इस पर एक क्वांटिटी ऑफ चार्ज आ गए. हम लोग साइन बाहर की तरफ बनाते हैं. एक्चुअल चार्ज कहाँ होते हैं? एक्चुअल चार्ज इनर सरफेस पे होते हैं. वन स्टूडेंट आस्क्ड मी अबाउट इट कि सर आप हमेशा बाहर की तरफ चार्ज बनाते और बोलते ये है कि चार्ज अंदर रहते हैं. यस, यहाँ पर स्पेस कम होता है इसलिए हम लोग बनाते यहाँ पर हैं. बट प्लीज रिमेम्बर कि वो एक्चुअली अंदर होते हैं बिकॉज दे आर बाउंड चार्जेस. ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनता है. ये सिचुएशन है, हमने इसको कनेक्ट कर दिया. अब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने अंदर डालना है. डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब हम अंदर डालते हैं तो हमारे पास दो सिचुएशन होती है और दोनों सिचुएशन को हम अलग अलग स्टडी करेंगे. एक सिचुएशन वो है कि बैटरी इसके साथ में कनेक्टेड रहती है और ये स्विच ऑन ही रहता है. ऑन, बैटरी रिमेन कनेक्टेड. दूसरी सिचुएशन ये होती है कि हम पहले इसको चार्ज करके बैटरी को डिसकनेक्ट कर देते हैं और फिर स्लैब को अंदर डालते हैं. तो दोनों सिचुएशन को हम अलग अलग स्टडी करेंगे और दोनों के डिफरेंस को भी देखेंगे. सो सबसे पहले लेते हैं व्हेन बैटरी रिमेन कनेक्टेड. और दूसरी सिचुएशन Thank you.
बैटरी डिस्कनेक्टेड। राइट, शुरू करते हैं। एक चीज बैटरी कनेक्ट होना और बैटरी डिस्कनेक्ट होना, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, किस क्वांटिटी में डिफरेंस आ जाएगा, तो उसे ध्यान दीजिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर वन, व्हेन बैटरी रिमेन कनेक्टेड, तो ये एक सोर्स ऑफ चार्ज है। अगर इसको चार्ज चाहिए तो ये देगा, अगर इसके पास चार्ज एक्स्ट्रा है तो ये वापस कर सकता है इसको। तो चार्ज कम हो सकता है, चार्ज ज्यादा हो सकता है जब बैटरी कनेक्टेड हो। सो चार्ज कैन चेंज, बट व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, दैट इज इक्वल टू वी। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होने लगता है, क्यों, बाय एनी रीजन, तो ये क्या करती है बैटरी, उसको और चार्ज दे देती है, और चार्ज देती है ताकि उसका पोटेंशियल किसके बराबर आ जाए, वी के बराबर। फिर से सुनिए, बाय एनी रीजन अगर इसका पोटेंशियल कम होगा, द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वो चार्ज इसमें जाएगा और फिर से इसका कॉमन पोटेंशियल वी ले आएगा। बाय चांस इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, यहां से चार्ज निकलेगा और वह जब यहां से चार्ज निकल जाएगा, इसका पोटेंशियल फिर से कम होके इसके बराबर हो जाएगा। तो जब बैटरी कनेक्ट रहती है, बैटरी कनेक्ट रहती है तो वी रिमेन कॉन्स्टेंट एंड क्यू मे चेंज। अब ये ऑप्शन देखिए, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया हमने, अगर यहां से बैटरी को डिस्कनेक्ट किया है, ये एक बार तो चार्ज दे दिया, उस समय इसका पोटेंशियल कितना हो गया V, और इसके चार्ज हमने कितना दे दिया Q, कैपेसिटेंस C। अब हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, अगर इन दोनों के बीच का वोल्टेज हम कम कर दें तो क्या वो वोल्टेज फिर से वापस V आ सकता है, उसके लिए उसको चार्ज चाहिए और चार्ज का रास्ता बंद है, तो चार्ज इसमें आ नहीं सकता, इसमें से चार्ज जा नहीं सकता, सो एंट्री ऑफ द चार्ज इज क्लोज्ड, क्योंकि चार्ज बैटरी में ही जाता, एंड दैट की इज नो मोर देयर, सो दिस सर्किट इज ओपन, चार्ज इसमें नहीं जा सकता, ना इसमें से चार्ज आ सकता है, तो चार्ज कैसा होगा, जितना है उतना ही रहेगा। सो नाउ वी कैन राइट, चार्ज विल रिमेन कॉन्स्टेंट, चार्ज क्यू रिमेन कॉन्स्टेंट। अगर इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया तो अगर सॉरी क्यू सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और वी किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन सी। अब इसका चार्ज तो चेंज होगा नहीं, अगर कैपेसिटेंस चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, तो वी कम हो जाएगा, अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज हुआ तो वी बढ़ जाएगा। क्या उस वी को कंपनसेट करने के लिए ये अवेलेबल है, आंसर है नहीं है, इसलिए वी अगर कम होगा तो कम हो जाएगा, नोबडी विल कंपनसेट इट, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट है, दैट मींस वी में चेंज, तो वी में चेंज बट क्यू विल नॉट चेंज। इस केस में क्या था, V remain constant but Q may change, ये situation, ये होती है कौन सी situation, battery connected, battery disconnected, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, इसके बाद ही हम बाकी चीजें देखते हैं। अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे, कि ये स्लैब हमने इसमें इंसर्ट किया, जब ये हमने स्लैब इसमें इंसर्ट किया तो इसके पैरामीटर्स में क्या क्या चेंज हुआ। पैरामीटर्स क्या होते हैं, Q, V, C, E
एंड एनर्जी, इतनी चीजें हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ी हैं। क्यू वी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड एनर्जी कंटेंट बाय द कैपेसिटर्स। शुरू करते हैं, इसमें किस चीज के बारे में हम श्योर हैं? दो चीजों के बारे में। एक, जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे विच इज ए मैकेनिकल प्रोसेस, तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा ही, श्योर। सो बोथ दी केसेस कैपेसिटर कैपेसिटेंस इंक्रीज। Because we are inserting a dielectric slab, okay? जब हम इसमें right, अब और क्या क्या constant रहेगा? V remain constant, V constant. यहां पर कॉन्स्टेंट, और अब इसके बाद हम बुद्धि लगाते हैं, ओके, वी कॉन्स्टेंट है, सी इंक्रीज हो रहा है, और हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्यू इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाय वी। जब हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला तो क्या इसमें से कोई चेंज हुआ? आंसर है कि जब हम डायरेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डिक्रीज। तो इसको हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा तो वोल्टेज का क्या होगा? आंसर है वोल्टेज विल ऑल्सो डिक्रीज, पर यहां क्या लिखा है? वोल्टेज कॉन्स्टेंट। अगर वोल्टेज कॉन्स्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी अपॉन डी, डी वी अपॉन डी आर। अगर वोल्टेज कॉन्स्टेंट है और ये डिस्टेंस भी कॉन्स्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक नहीं हो सकता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट डिक्रीज, ओके। पर हमने तो पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज पहले 100 था और इसकी वोल्टेज कुछ थी, लेट अस से 200, 100 इलेक्ट्रिक फील्ड, 200 वोल्टेज हो सकता है, राइट? अब हमने इसको डाला तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ, ये तो पक्का रूल है, 100 से वो 80 हो गया। लेकिन जब वो 80 होता है तो क्या होगा? 80 होने से इसका पोटेंशियल भी कम हुआ। अगर इसका पोटेंशियल कम हो गया तो क्या होगा? अगर पोटेंशियल कम हो गया तो चार्ज यहां से दौड़ के जाएगा और चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ई था, इसको हमने इसमें डाला, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो वी का क्या होगा? वी कम हो जाएगा, और ये कनेक्टेड है। अगर ये कनेक्टेड है और इसका वी कम हो गया और इसका वी ज्यादा है तो यहां से चार्ज और इसमें चला जाएगा, वो चार्ज जाकर इसके वी को इंक्रीज कर देगा। कितना इंक्रीज करेगा? इसके बराबर 200। तो उस प्रोसेस में कौन सा पैरामीटर चेंज हो गया? आंसर है चार्ज चेंज हो गया, यहां से चार्ज यहां और चला गया, लेकिन कांस्टेंट रहा वी, तो वी कांस्टेंट रहा। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक ने ई को कम किया था कि नहीं किया था? उस ई के कारण वी भी कम हो गया था, लेकिन बैटरी ने एक्स्ट्रा चार्ज भेज के फिर से वी को बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया तो ई भी बढ़ गया और फिर से ई वही का वही आ गया। So, यहां पर हमें क्या मिला? Q इंक्रीज। इस तरह से इसका Q इंक्रीज हो जाता है और V कैसा रहता है? कांस्टेंट। अगर V कांस्टेंट है और D कांस्टेंट है तो E भी कैसा रहेगा? कांस्टेंट, नो चेंज। ये इसके पैरामीटर हुए। अब जरा इधर नजर डालिए,
यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट, वी कंपनसेट नहीं होगा, क्यू कैसा रहेगा कॉन्स्टेंट, सी स्लैब डालने से सी तो इंक्रीज होगा पक्का। अब क्यू और सी, अगर इनमें से सी क्यू उतना ही है और सी इंक्रीज हो गया, क्यू उतना ही है सी इंक्रीज हो गया, तो वी का क्या होगा, वी किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन सी, क्यू कैसा है कॉन्स्टेंट, सी कैसा हो गया इंक्रीज, तो वी कैसा हो जाएगा डिक्रीज। तो इसमें वी डिक्रीज हो गया। अब अगर इसका वी डिक्रीज हुआ तो क्या ये इसको कंपनसेट करेगा चार्ज भेज के, आंसर है नो, क्योंकि रास्ता बंद है, डिस्कनेक्टेड, इसलिए वी कम होके रह जाएगा। ओके, चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज बढ़ नहीं पा रहा है, सो चार्ज इज कांस्टेंट, वी डिक्रीजेस, ई का क्या होगा, अगर वी डिक्रीज हो गया है तो नेचुरली ई भी, अगर वी डिक्रीज हो गया डिस्टेंस उतना ही है तो ई भी डिक्रीज हो जाएगा, सो दिस इज ई डिक्रीज। ये इनके चार चार पैरामीटर की बात हो रही है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में ये कॉमन, डायलेक्ट्रिक स्लैब डालने से जो चीज कंपलसरी होती है वो क्या है, सी इंक्रीज, सी इंक्रीज। ई जो है वो हमेशा वी पर डिपेंड करता है, ई और वी एक ही चीज है। बाकी दोनों को देखिए, अगर सी इंक्रीज होता है और ये चार्ज का रास्ता हमने बंद कर दिया है, चार्ज कांस्टेंट है, तो चार्ज कांस्टेंट, सी जैसे ही इंक्रीज होता है वी डिक्रीज हो जाएगा। यहां पर वी कांस्टेंट है, जैसे ही सी इंक्रीज होता है तो क्यू, सी इंटू वी, सी इंक्रीज हो जाएगा, क्यू इंक्रीज हो गया। इस तरह से ये इंक्रीज कांस्टेंट, कांस्टेंट डिक्रीज, दोनों में इंक्रीज, और इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर पोटेंशियल। ओके, अब एनर्जी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एनर्जी के आपके पास तीन फॉर्मूलास हैं। अब यहां पर एक बहुत ही फंडामेंटल चीज आपको याद करनी है, एनर्जी के जो हमारे पास फॉर्मूलास हैं कौन कौन से, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, हाफ सी वी स्क्वायर, एंड हाफ क्यू इंटू वी। ये यू, इसमें हम कौन से फॉर्मूले से टेस्ट करें, तो याद रखिए जब भी आपको वेरिएशन टेस्ट करना है ऐसा फॉर्मूला चुनिए जिसमें एक ही वेरिएबल हो, दो वेरिएबल नहीं, अदरवाइज एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन बढ़ा कि कम हुआ, वी डोंट नो, और हम डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट देयर शुड बी ओनली वन वेरिएबल, रेस्ट एवरीथिंग शुड बी कांस्टेंट। यहां आइए, क्यू स्क्वायर अपॉन सी, इनमें से कोई कांस्टेंट है क्या, सी इंक्रीजिंग, क्यू इंक्रीजिंग, दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, हमको नहीं पता कौन ज्यादा कौन कम, सो दिस फॉर्मूला वी कैन नॉट यूज। हाफ सी वी स्क्वायर, वी कैसा है कांस्टेंट, हियर इज कांस्टेंट, तो एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, वी कांस्टेंट है, एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, सी पर, और सी क्या हो रहा है इंक्रीज, देयरफॉर एनर्जी विल इंक्रीज। ये आ गया फॉर्मूला, राइट, इस तरह से इसको हम यहां पर यूज करेंगे। अब क्या इसको यूज करें, क्यू वी, क्यू चेंज, वी कांस्टेंट, ठीक है, इसको चेंज, इसको यूज करते हैं, वी इज कांस्टेंट, व्हाट इज हैपनिंग टू क्यू, क्यू इंक्रीज, देयरफॉर एनर्जी विल इंक्रीज, इंक्रीज, सो this we can use, this we can use, and both are giving the result that U increases. यहाँ पर आइए U, फिर से constant कौन है, C, तो V को देखिए, V decrease, V decrease होगा,
तो यू भी डिक्रीज हो जाएगा, वेरी सिंपल डिक्रीज, राइट। इससे इस तरह से हम इसको बनाएंगे। ओके, अगर हम क्यू को कांस्टेंट लेते हैं, क्यू कांस्टेंट, तो वी क्या हो रहा है, वी इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर यू विल डिक्रीज। सो यू गॉट इट। इसमें एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, किसकी, कैपेसिटर की। इसमें कैपेसिटर की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। सो दीज आर द चेंजेस इन पैरामीटर्स। ये चेंजेस होते हैं व्हेन बैटरी रिमेन कनेक्टेड, और वो चेंजेस है व्हेन बैटरी डिसकनेक्टेड। लेकिन एक्शन क्या है, एक्शन है ए डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, ए डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, ये होगा। अब ये दोनों चीजें आपने देख ली। अब इसमें एक छोटी सी चीज और, एक बड़ा स्पेशल एक्शन होता है। हमने क्या किया, इस स्लैब को यहां डाला और अभी हम यहां तक लेकर आए इसको, से 1/4 या हाफ तक लेकर आए, पूरा इंसर्ट नहीं किया, हाफ इंसर्ट किया। प्लेट में ये हम ऐसे लेके आए यहां तक, और यहां लाके हमने थोड़ा सा हाथ को छोड़ा। दो तरह के एक्शन पॉसिबल हैं। इसको हम यहां तक लेकर आए, यहां ये, यहां लाके जब हम इसको छोड़ते हैं तो दो एक्शन पॉसिबल हैं। एक, ये कैपेसिटर इसको अपने अंदर सक कर लेता है और पूरा अपने को फुल कर लेता है, दैट इज अट्रैक्शन, सकिंग। दूसरा एक्शन ये हो सकता है कि जैसे ही हमने हाथ छोड़ा, ये इसको रिपेल करके वापस भेज देता है, ये भी हो सकता है। अब इट इज गिवन टू अस कि आउट ऑफ दीज टू केसेस, एक केस में वो सक करता है और एक केस में रिपेल आउट करता है, एंड यू हैव टू टेल किस केस में करता है एंड व्हाट इज द रीजन व्हाई इट शुड डू, व्हाई इट शुड बिहेव लाइक दैट। ओके, उस चीज को समझिए, दैट इज वेरी स्ट्रेंज। फोर्स कहां से आता है, वी डोंट नो, हमको नहीं मालूम। ठीक है, तो हम फिर इसको कैसे डिसाइड करेंगे। तो एक बड़ा एक बेसिक प्रिंसिपल है जिससे कि पूरी फिजिक्स चलती है, पूरा नेचर चलता है। वो प्रिंसिपल क्या है, दैट एवरी सिस्टम विश टू रिमेन इन द कंडीशन ऑफ इट्स लोएस्ट एनर्जी। हर सिस्टम अपनी किस स्टेट में रहना चाहता है, जब उसका एनर्जी कंजम्पशन सबसे कम। अगर मैं दौड़ रहा हूं तो मैं धीरे से चलना चाहता हूं, कम एनर्जी लगेगी। अगर मैं स्लो चल रहा हूं तो मैं खड़े हो जाना चाहता हूं, कम एनर्जी लगेगी। अगर मैं खड़ा हूं तो मौका मिलेगा तो बैठ जाऊंगा, और अगर बैठा हूं तो मौका मिलेगा तो यस, हर बार एनर्जी डिक्रीज करना चाहता हूं, एंड दिस इज नेचर ऑफ एवरी सिस्टम, ओके, इन अवर नेचर। अब ये, और इसी से सारे एक्शन होते हैं इस दुनिया में। जो भी एक्शन हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, एवरी सिस्टम इज ट्राइंग टू कम टू द सिचुएशन ऑफ लोएस्ट एनर्जी। पानी पहाड़ से समुद्र में आता क्यों है, क्योंकि पहाड़ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और सी में कम है, सो इट कम्स टू। सिमिलरली वट एवर इज हैपनिंग एवरीवेयर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्शन, जो एक्शन हो रहा है उसकी डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, एनर्जी, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, उस तरह से एक्शन होते हैं। इसी से केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन करते हैं, इसी से फिजिकल एक्शन एक्सप्लेन करते हैं, एवरीथिंग वी एक्सप्लेन ऑन दिस सिंगल प्रिंसिपल। ओके, नाउ वी कम हियर, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। जब हम इसमें स्लैब डालेंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी, हम इसमें स्लैब डालेंगे एनर्जी डिक्रीज होगी। ये सिस्टम क्या पसंद करेगा, एनर्जी डिक्रीज करना या एनर्जी इंक्रीज करना।
इट इज वेरी लॉजिकल, हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी सिस्टम एनर्जी डिक्रीज करना पसंद करता है, तो ये सिस्टम एनर्जी डिक्रीज करना पसंद करेगा। और एनर्जी कब डिक्रीज होगी, जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रहेगा। इसमें जब डाइलेक्ट्रिक अंदर आया तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो इसके पास लेस एनर्जी कब है, जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं है। तो ये किसको फेवर करेगा, ये फेवर करेगा नो डाइलेक्ट्रिक फेवर। ये किसको फेवर करेगा, फेवर डाइलेक्ट्रिक। क्यों, डाइलेक्ट्रिक आने से इसकी एनर्जी कम हो जाती है। नाउ यू कैन टेल मी हु इज द सकिंग वन, ऑफकोर्स दिस, क्योंकि ये चाहता है डाइलेक्ट्रिक आए। तो व्हेन वी कनेक्ट द बैटरी, चार्ज इट, डिसकनेक्ट इट एंड वी मेक इट हाफ वे, प्रेस कर द हाफ वे, इट विल सक इट। इन दिस केस इफ बैटरी इज कनेक्टेड, इंसर्ट इट हाफ वे, लीव इट, इट विल गो आउट, उसको वापस बाहर भेज देगा। दिस इज द सिचुएशन, दिस हैपेंस। नाउ वी कैन फर्दर कॉम्प्लिकेट इट, किस तरह से कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं। सकिंग एंड पुशिंग आउट इज फोर्स, हाउ मच इज द फोर्स अप्लाइड हियर एंड हियर, हाउ मच इज दैट फोर्स, कैन वी कैलकुलेट इट, यस वी कैन कैलकुलेट इट, कैलकुलेट इट। फोर्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एनर्जी, यू रिमेंबर एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ, एनर्जी डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डी बाय डी एक्स ऑफ एनर्जी। तो अगर हम इसमें एनर्जी का एक्सप्रेशन ले और उस एनर्जी के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करें तो क्या मिल जाएगा हमको, फोर्स, राइट। अब उस फोर्स से हमको क्वांटिटी मिल गई फोर्स की, उसके बाद हमने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक को छोड़ा, तो ये क्या करता है, सक। यहां पर लाकर हमने डाइलेक्ट्रिक को थोड़ा सा अंदर किया और छोड़ा, तो ये क्या करता है, पूरे डाइलेक्ट्रिक को अंदर खींच लेता है। अब एक और बात है, ये जब डाइलेक्ट्रिक को अंदर खींचता है, डाइलेक्ट्रिक इसके बराबर आया, आकर रुका, रुका क्या, जैसे ही ये इसके अंदर आएगा फोर्स लगेगा, दैट फोर्स विल गिव इट, दिस फोर्स विल गिव इट वन एक्सिलरेशन। इस एक्सिलरेशन के कारण इसकी स्पीड बढ़ते जाएगी, फोर्स 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 स्पीड बढ़ते जा रही है बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। और फाइनली जब ये इस पूरे को कवर कर लेता है तो इसके पास बहुत सारा एक्सेलरेशन आ जाता है, ये यहां पर। उस एक्सेलरेशन के कारण इसकी स्पीड का क्या होगा, स्पीड विल इंक्रीज। तो जब ये ऐसा सेंटर में पहुंचता है तो इसके पास बहुत स्पीड होती है। एंड व्हाट डज अवर लॉ ऑफ इनर्शिया सेज, इट सेज कि ये यहां पर स्टॉप नहीं करेगा, इट हैज इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी, तो ये क्या करेगा, आगे चला जाएगा। तो ये यहां से इधर आ जाएगा और ये फिर खाली हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये उसको खाली करता है, इसका इंटेंशन क्या है, ये भरा रहे। तो जैसे ही ये इसको हाफ के नीचे आएगा खाली करते हुए, फोर्स की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, ऊपर की तरफ, सब ऊपर करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। उसके कारण क्या होगा, इसकी स्पीड कम होते जाएगी। तो ये जो यहां से ऐसे स्पीड इंक्रीज हुई और इनर्शिया के कारण नीचे गया, और फिर ये ऊपर खाली हो गया, इसने फिर सक किया, ये फिर वापस चला गया, फिर ये खाली हो गया, फिर सक किया, यहां आया इनर्शिया से, ऐसे इनर्शिया से मिडिल पोजिशन को पार करेगा, फिर सकिंग फोर्स के कारण ऊपर जाएगा, इनर्शिया के कारण पार करेगा। ये क्या हो रहा है, सो आंसर है, ये हमने स्टडी किया है, दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन।
तो ये क्या यहां पर रुकेगा? आंसर है नो, इट विल कीप ऑन डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अंदर बाहर. ये सब थ्योरेटिकल आइडियल केसेस हैं. यही चीज इसमें भी होगी, इस केस में भी वही करेगा. वो एक बार पुश करेगा, फिर अपने वेट के कारण वो नीचे आएगा, फिर ये उसको वापस पुश करेगा, फिर ये नीचे आएगा. ऐसे जैसे ही ये नीचे आता है, ये क्या चाहता है कि जगह खाली रहे, तो ये उसको नीचे ढकेल देता है वापस. ओके, इस केस को छोड़िए, इसमें शायद नहीं होगा, क्योंकि ये खाली होगा तो वापस नहीं बुलाएगा. इसमें फेवर नो डायलेक्ट्रिक. तो इसमें जब हम डायलेक्ट्रिक को डालेंगे तो ये उसको वापस उछाल देगा, फिर अपने वेट के कारण नीचे आएगा, फिर ये उसको उछाल देगा. वो सिंपल हार्मोनिक है या नहीं, वी कैन नॉट, मे बी डिफिकल्ट टू प्रूव, बट दिस इज सिंपल हार्मोनिक श्योर, बिकॉज फोर्स इज ऑलवेज देयर टू ब्रिंग इट टू द मीन पोजिशन. तो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है और डिस्प्लेसमेंट दोनों तरफ है. सो हम प्रूव कर सकते. अब अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यहां तक हम पहुंच गए, तो अगला क्वेश्चन फिर एक और आ जाता है. एंड व्हाट इज दैट क्वेश्चन? इफ इट इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्लीज फाइंड इट्स टाइम पीरियड, कैलकुलेट इट. सो we keep on increasing the difficulty level, but now you are understanding what happens. We can do solve that. अभी हम इसमें IIT advanced के question करेंगे, इस topic के, उसमें इसको करेंगे. We will do that. कि force कितना है और उसका time period कितना, both things we will find out. You can do that. हम लोग करेंगे इसको. Anyway, so this is a very common situation of capacitors. There are many other capacitor situations which we are supposed to study, and we keep on studying many situations from the next classes. Thank you.